कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ रहे थे इसकी प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। तो इसकी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के n पदों, जो n वा पद होता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी का n वा पद कैसे ज्ञात करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी के फॉर्मूले के द्वारा। आज अब आगे इसकी जो प्रश्नावली 5.3 है उसके अंदर हमें क्या अध्ययन करना है, हमें देखना है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद है a, सर्व अंतर है उसका d और जो पदों की संख्या है वह क्या है n है। तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे प्राप्त करते हैं, एस एन बराबर, एस एन का मतलब n पदों का योगफल, n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, n पदों का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले का प्रयोग होने वाला है प्रश्नावली 5.3 में। या फिर ये जो फॉर्मूला है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये बार तो n बटा 2 है, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं और प्लस में n माइनस 1 गुणा डी। ये देखो a प्लस n माइनस 1 गुणा डी ये किसके बराबर है, a n के बराबर, a n का मतलब अंतिम पद। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n बटा 2 कोष्टक a प्लस a n, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। या फिर a n की जगह आप अंतिम पद को हम l के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n बटा 2 a प्लस l के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमें क्या दे रखा हो, समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो, l का मतलब अंतिम पद। अगर हमें अंतिम पद उसका पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अन्यथा हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा हम आगे प्रश्नावली है उसको हल करते हैं, प्रश्नावली 5.3। पहला सवाल हमें दे रखा यह है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, जिसका पहला सवाल है उसमें हमें दे रखा है कि 1, 3, 5, 7 हमें 12 पदों तक क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो ये जो 12 है ये क्या है, इसके पदों की संख्या, ठीक है, n का मान कितना है इसके अंदर 12, प्रथम पद 1, सर्व अंतर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 और n का मान कितना है इसके अंदर 12। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। सीधा मान रखना है हमें n का मान 12, तो 12 बट्टा 2 कोष्टक 2 गुणा a, a का मान 1 है, n का मान 12, इसमें से 1 घटाना, फिर d का मान कितना है 2। तो इसको हल करना है, 12 में 2 का बाहर लगाने पर 6 आएगा, 2 गुणा 1 2, 12 में से 1 घटाने पर 11 गुणा में 2। तो पहले गुणा वाले को हल करेंगे, तो 6 गुणा 2 प्लस 22 गुणा 11 को 2 से गुणा करने पर 22, तो 6 गुणा कितना आ जाएगा 24, चौके 24 हंसी लगेगी 2, 144। तो इसके n पदों का योग कितना आएगा, इस श्रेणी के n पदों का यानी 12 पदों का योग कितना आएगा, 144 प्राप्त होगा, ये इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल करना है, इसी प्रकार इसका तीसरा। चलो एक बार तीसरा सवाल भी करते हैं, समांतर श्रेणी क्या दे रखी है हमें, 1/15, 1/12, 1/10, हमें इसके 11 पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो a तो कितना है इसके अंदर, 1/15 है, मेन काम क्या है इसका d निकालना। d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाकर, 1/12 में से 1/15 को घटाकर निकालेंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लुप्तम लेंगे, 12 और 15 का लुप्तम कितना होता है 60, तो इनका लुप्तम आया 60, 12 का 60 में बाहर लगाने पर 12 5 60, 5 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 5, 15 का 60 में बाहर लगाने पर 15 चौक 60, 4 को क्या करेंगे ऊपर वाले 1 से गुणा, तो माइनस में कितना आएगा 4 आएगा, तो 5 में से 4 को घटाने पर 1, तो 1/60 ये क्या आएगा, इसका डी आएगा।
तो डी हमें ध्यान से निकालना है कितना आएगा इसका 1/60, और एन हमें दे रखा है कितना है इसका 11 पदों तक हमें योग याद करना है। तो अब तो वही काम, फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। एन का मान 11, तो एन की जगह 11/2 दो गुणा ए का मान हमें दे रखा है 1/15 प्लस एन कितना है 11 में से हमें क्या करना है 1 को घटाना है, और डी का मान कितना है 1/60, तो इसको हल करेंगे 11/2 2/15 प्लस 11 में से 1 हटाने पर 10 और गुणा में 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 11/2 यहाँ पर 2/15 प्लस ये कितना आएगा 1/6। अब इसको वापस हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा 30, 30 में 15 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है, इसलिए इनका लघुत्तम कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पर बट्टे में तो 30, अब 15 का 30 में भाग लगाने पर 2 बार 2 को क्या करेंगे ऊपर वाले 2 से गुणा, तो 2 गुणा 2 कितना आएगा 4 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह, 6 का भाग लगाएंगे 30 में तो 5, और 5 गुणा 1 कितना आएगा 5, तो ये कितना मिलेगा 11/2 और गुणा में कितना आएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 9/30। तो इनको हल कर लेंगे, तो देखो 11 9 99 और 30 गुणा 2 कितना आएगा 60, तो ये इसका क्या होगा n पदों का योगफल 99/60, n पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा, यानी 11 पदों का योगफल आएगा। इसको और आगे हल करना चाहें तो क्या आएगा, 3 से काट सकते हैं 33/3 से काटने पर 20, 3 का भाग लगाया हमने 33/20। आगे इसका दूसरा सवाल करते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, दूसरे सवाल में भी निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें अब की बार क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी जो दे रखी है उसके अंदर n का मान नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है उसका अंतिम पद दे रखा है, यानी n वा पद हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, 3 + 11 + 19 अंतिम है इसका 803, पहला पद हमें दे रखा है 3 है और d का मान हम निकाल सकते हैं, दूसरे पद में से पहला घटाकर कितना आएगा 8 आएगा, और n का मान हमें नहीं पता, n का मान पता नहीं है, हमें क्या पता है कि nवा पद, ये क्या है इसका nवा पद, हमें an का मान पता है, an कितना है इसका 803। तो यहाँ से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला देखा था n पदों का योग उसके अंदर क्या आता है n का प्रयोग होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं, an बराबर 803 और an का मतलब a प्लस एन माइनस वन गुणा डी। एन वा पद कैसे निकालते हैं, प्रश्नावली 5.2 में हमने पढ़ा था a प्लस एन माइनस वन गुणा डी के द्वारा, और इसका मान हमें कितना दे रखा है 803 दे रखा है, a का मान 3, n हमें ज्ञात करना है माइनस वन, डी का मान कितना है 8, बराबर में कितना है 803 है, 3 को उधर ले जाओ तो n माइनस 1 गुणा में 8 बराबर 803, ये 3 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो 803 में से 3 को घटाने पर कितना मिलेगा 800 मिलेगा, यहाँ पर n माइनस 1 गुणा 8, तो n माइनस 1 बराबर 800, गुणा वाला 8 दूसरे पक्ष में आने पर भाग में चला जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 800 में 8 का भाग लगाने पर 100, माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 101, ये आया हमारे पास n का मान। अभी तक हमने क्या निकाला है, n निकाला, अब हमें क्या करना है इसका n पदों का योग ज्ञात करना है, 101 पदों का हमें क्या करना पड़ेगा योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारे पास अब की बार अंतिम पद है, तो अंतिम पद जब हमारे पास हो तो हम क्या लगा सकते हैं, n बटा 2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये लगाते हैं, n का मान हमारे पास है 101 है और बट्टे में फॉर्मूले में कितना है 2 है, a का मान 3 और l कितना है इसके अंदर 803, तो 3 और 803 को जब जोड़ेंगे कितना आएगा 806 मिलेगा, 806।
और दो का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 101 गुणा 403। अब 101 को क्या करना है, 403 से गुणा करना है, तो इनको जब गुणा करेंगे 403 को 101 से, तो पहले 403 आएगा, फिर क्रॉस का चिन्ह 0 0 0, फिर दो बार क्रॉस, फिर 403, तो जोड़ने पर 0704 कितना जाएगा, 40703। ये क्या आएगा, इसके n पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमें इसका दूसरा सवाल करना है, तो ये दूसरा सवाल आप कर लोगे। फिर हम चलते हैं इसके तीसरे सवाल के अंदर। तीसरे सवाल में क्या बोला है कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें अब की बार n का मान ज्ञात करना है, और दिया हुआ क्या क्या है हमें, हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी से इसका पहला सवाल करते हैं कि समांतर श्रेणी 9, 17 और 25, 9, 17, 25 के कितने पद लें कि इनका जो योगफल है वह कितना हो जाए 636। हमने माना इनके n पद लें, n पद लेने पर इनका योग कितना हो जाता है, 636 हो जाता है। तो a का मान हमारे पास 9 है, d का मान हम ज्ञात कर सकते हैं 17 में से 9 को घटाकर, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, दूसरे में से पहला पद घटाया हमने, है ना। फिर हमें दे रखा है एस एन, एन पदों का योग दे रखा है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो जाए। हमने माना एन पद लें तो इनका योग कितना हो जाता है, 636 हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एन का मान प्राप्त करना है। कैसे करेंगे उसको देखो, भी हमें पता है कि एस एन बराबर होता है एन बटा दो कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और एस एन हमें दे रखा है 636 बराबर, एन हमें ज्ञात करना है कोष्टक 2 गुणा ए, ए का मान कितना है हमारे पास 9 है, प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमारे पास है 8। ये हमने क्या किया, सारे मान के इसके अंदर। अब इसको हल करते हैं, बट्टे वाला 2 जब इधर आएगा तो क्या होगा, 636 किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, बराबर में एन, 2 गुणा 9 कितना आएगा 18, प्लस ये जो 8 है ये अंदर गुणा होगा, तो अंदर गुणा होने पर क्या हो जाएगा 8n और माइनस का 8। कोष्टक के बाहर वाली संख्या क्या होती है, कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा होती है, इसलिए 8n से गुणा होने पर 8n और 1 से गुणा होने पर माइनस का 8। तो गुणा करते हैं 12 7 दूनी 12, 1272 बराबर n गुणा 18 में से 8 को घटाने पर कितना आएगा 10, और प्लस में कितना है 8 एन है, और कोष्टक बंद कर दिया। अब देखो ये n इसके अंदर गुणा करो तो 1272 बराबर 10 एन प्लस 8 एन, और ये से n गुण n से गुणा होने पर 8 एन का स्क्वायर बन जाएगा, और इस वाले पद को उधर ले जाओ तो बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, और क्या बनेगा 8 एन का स्क्वायर प्लस 10 एन, और ये पद उधर जाने पर माइनस का 1272 बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। हमने क्या किया, इस पद को इधर लेके आए तो क्या हुआ बराबर में 0, हमने इधर लिख दिया बराबर 0, और क्या बनेगी समीकरण 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 1272। हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 का भाग लगा सकते हैं, तो 2 का भाग लगाने पर 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर में 0 के अंदर भी 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा 0 ही प्राप्त होगा। ये एक क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसको हमें क्या करना है, हल करके द्विघात समीकरण को हल करके हमें क्या करना है, एन का मान प्राप्त करना है। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं कि श्रीधर आचार्य सूत्र से क्या होता है, श्रीधर आचार्य का सूत्र कि जो एन होगा ये किसके बराबर आएगा, माइनस बी प्लस माइनस फोर सॉरी बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टे में 2a। अब देखो यहाँ पर ए बी सी क्या चीज़ है, a क्या होता है जो द्विघात समीकरण के अंदर जो n स्क्वायर है इसका गुणांक, और b क्या होगा n का गुणांक, और c क्या होगा अचर पद होगा। तो इसके अंदर हम मान रखते हैं n बराबर माइनस का बी, बी का मान कितना है यहाँ पर 5 है तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग यानी 5 का वर्ग यानी 25 माइनस का चिन्ह
चार गुणा ए, ए कितना है यहाँ पर चार है, और सी कितना है माइनस का 637, और वो माइनस इस माइनस से गुणा होने पर क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा। बट्टे के अंदर दो गुणा ए यानी दो गुणा ए का मान कितना है चार है, तो इसको हम हल करेंगे। तो देखो इधर एन बराबर माइनस का पाँच प्लस माइनस अंडर रूट चार गुणा चार सोलह, सोलह को हम क्या करेंगे 637 से गुणा करेंगे। तो 16 को जब 637 से गुणा करते हैं तो 637 हंस लगेगी 3, 18 और 3 21 हंस लगेगी 2, 38 यहाँ पर 637, 6, 7 ये 1, 9, 1 10176। तो 25 प्लस 10176 बट्टे में कितना आएगा 2 गुणा 4 8 आएगा। तो माइनस का 5 प्लस माइनस ये कितना बन जाएगा दोनों को जोड़ने पर 10201 और बट्टे में कितना आएगा 8। अब देखो 10201 जो होता है वह क्या होता है 101 का वर्ग होता है, 101 का जो वर्ग होता है वो कितना होता होगा 10201 होगा। तो ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 101 बाहर आएगा और बट्टे में कितना रहेगा 8 रहेगा। तो अब हम एक बार तो प्लस का चिन्ह लेंगे एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो माइनस का चिन्ह जब हम लेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी माइनस में बन जाएगी, और पदों की संख्या माइनस में कभी हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या करेंगे इसके अंदर प्लस का चिन्ह लेंगे। तो प्लस का 101 बट्टे में कितना आएगा 8, 101 में से 5 को घटाने पर कितना मिलेगा चिन्ह में बट्टे में कितना है 8, तो 8 का भाग हमें चिन्ह में लगाना है तो कितना मिलेगा हमें 12, 12 घंटे कितना होता है चिन्ह में होता है, यानी एन का मान कितना मिलेगा हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या करना है श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाना है और उससे हमें क्या करना है एन का मान प्राप्त करना है, यानी हमें इस श्रेणी के 12 पद लेने होंगे कि उनका योगफल कितना हो जाएगा 637 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका जो दूसरा सवाल है उसको हमें क्या करना है हल करना है, इसके अंदर भी हमें क्या मिलेगी एक द्विघात समीकरण मिलेगी, उसको हमें श्रीधर आचार्य के सूत्र के द्वारा हल करके एन का मान प्राप्त करना है।